everyone. Today we will talk about some groups. Quaternion group, QA. This is group of order A. Elements are plus minus 1, plus minus I, plus minus J, plus minus K. जिसमें ऑपरेशन है वो यूजुअल मल्टीप्लीकेशन है सच दैट आई स्क्वायर इज इक्वल टू जे स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन एंड वन स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन एंड देन वी कंसिडर द साइकिल आई जे के इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन आई जे इज इक्वल टू के बट इफ इट गोज एंटी क्लॉकवाइज देन वी पुट माइनस साइन जे आई इज इक्वल टू माइनस के सिमिलर वे आई के इज इक्वल टू माइनस जे बट जे के इज इक्वल टू प्लस आई आइडेंटिटी इस ग्रुप में वन होगी क्योंकि अगर हम आई इनको वन करें वो आई ही बनेगा नॉन अबेलियन ग्रुप है इसी उससे पता लगेगा कि आई जे इज इक्वल टू के एंड जे आई इज इक्वल टू माइनस के ऐसे नॉन अबेलियन है एंड फाइनाइट है क्योंकि इसमें एलिमेंट्स एट है क्लेम्स फोर टू के फोर भी डिनोट करते हैं इसको एलिमेंट्स हैं इसके ई ए बी सी ये भी एक फाइनाइट ग्रुप है ऑर्डर है इस ग्रुप का फोर ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट ग्रुप इसमें ऑपरेशन है ए स्टार ए इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू सी स्टार ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी यहाँ पे ई इसकी आइडेंटिटी है बिकॉज A star E is equal to A, B star E is equal to B, E star E is also equal to E and C star E is also equal to E. Then this is an abelian group because A star B is equal to B star A is equal to C. Similar B star C is equal to A and A star C is equal to B is equal to C star A. Now we come to group of lattices, general linear group. हम इसको जे जी एल एन एफ से भी डिनोट करते हैं एफ इज बेसिकली एनी फील्ड आई हैव कंसिडर्ड क्यू हो सकता है रैशनल नंबर्स आर और सेट ऑफ इंटीजर्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कुछ भी यहाँ पे फिट कर सकते हैं मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज फील्ड में से आ रही है या तो वो रैशनल होंगी रियल इंटीजर्स कॉम्प्लेक्स हम एक और सेट ऑफ ग्रुप्स करेंगे एडिशन मॉडल में वहां से भी आ सकती है इसकी एंट्री सच दैट डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो ये हमें क्यों लेना पड़ रहा है क्योंकि इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए डिटर्मिनेंट शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो हम अंडा मल्टीप्लीकेशन बात कर रहे हैं कि ये इट फॉर्म्स अ ग्रुप मल्टीप्लीकेशन में तभी ग्रुप फॉर्म करेगा जब डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो इनवर्स हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज ए इनवर्स इज इक्वल टू वन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए अब इसी का एक सब केस है स्पेशल लीनियर ग्रुप जिसमें जो डिटर्मिनेंट है वो वन होगा कई बुक्स में इसका डिटर्मिनेंट प्लस माइनस वन भी दे रखा है सो हम जनरली वन कंसिडर करते हैं इट इज अ नॉन अबेलियन ग्रुप बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कॉम्पिटेटिव कोई भी दो मैट्रिसेस ले लो ए बी जरूरी नहीं है बी ए बी ए बी के इक्वल हो एंड द इनफाइनाइट ग्रुप है नाउ लेट्स स्टडी अबाउट सम ग्रुप ऑफ रेसिड्यूज रेसिड्यूज इन द सेंस दीज बोथ ग्रुप्स आर रिलेटेड टू रिमेंडर दीज बोथ ग्रुप्स आर फाइनाइट एंड अबेलियन अब जब इसमें ऑपरेशन देखेंगे इससे पता लगता है फर्स्ट है एडिशन मॉडुलो एन इसको हम जेड एन से भी नोट करते हैं सेट ऑफ ऑल द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग जेड बाय एन जेड वापस कैसे सेट होता है जीरो वन टू थ्री कंटिन्यूइंग माइनस वन कंटिन्यूइंग माइनस टू इक्विवेलेंस क्लासेस बेसिकली हम इनको कह रहे हैं कि अगर हम इस जेड को किसी एन से डिवाइड करें यहाँ पे एन थ्री सपोज करते हैं तो क्या क्या वापस इक्विवेलेंस क्लासेस बन जाएंगे जीरो वन टू क्योंकि अगर जीरो को थ्री से डिवाइड करेंगे जीरो आएगा वन को थ्री से डिवाइड करेंगे वन आएगा टू को थ्री से डिवाइड करेंगे टू आएगा उसके बाद हम थ्री पे गए थ्री को थ्री से डिवाइड करने पे
वन आएगा और रिमाइंडर हमारे पास जीरो बच जाएगा। बेसिकली जो हम ये इक्विवेलेंस क्लास को डिनोट कर रहे हैं, जिसका हमने इस इक्विवेलेंस क्लास का पूरा 0, 3, 6, 9, 12 एक रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लिया 0 बार। ऐसे इस इक्विवेलेंस क्लास का 1, 4, 7 एक रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लिया हमने 1 बार एंड सेम इस केस में। अब इसमें Zn में कितने एलिमेंट्स होंगे, क्या क्या रिमाइंडर्स की पॉसिबिलिटीज है 0, 1, 2 से n-1 तक, क्योंकि जो n होगा नेक्स्ट वो 0 में आता जाएगा, उसका नेक्स्ट नंबर यहाँ आ जाएगा, ऐसे करके एक पूरा इक्विवेलेंस क्लास बनती जाएगी। और ये उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनको एज एन एलिमेंट्स में ट्रीट करना अगर हम फर्दर जब भी ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे, इसलिए हमने इसको एज अ बार यहाँ पर डिनोट किया है कि ये रिप्रेजेंटेटिव है इक्विवेलेंस क्लास का, क्योंकि Zn इज अ सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस। अब इसमें जो ऑपरेशन है, ए एडिशन मॉडल एन प्लस बी इज इक्वल टू रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग एन बाय ए प्लस बी। जैसे कि Z3 में जो एग्जांपल देख रहे हैं, 5 + 2 करते हैं अगर तो 7 आता है, 7 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कौन सा रिमाइंडर आएगा 1, और वो इस ग्रुप में कंटेन्ड है। तो बस इसके ऐसे ही है कि रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग एन बाय ए प्लस बी। एक और एग्जांपल लेते हैं Z7 में, 4 + 5 क्या आया 9, 9 को 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या बचेगा 2, सो ये 2 हो गया इसका आंसर। देन वी कम टू मल्टीप्लीकेशन मॉडल एन, इट फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, यूजुअल मल्टीप्लीकेशन, एंड इट्स एलिमेंट्स आर इन द फॉर्म x belongs to integers, और जो x है उसकी values n से छोटी होनी चाहिए और 1 से बड़ी, such that x और n के बीच में जो GCD है हमारा, highest common factor, greatest common divisor, वो 1 होना चाहिए। Basically ये both numbers should be co-prime, वो सारे numbers जो n से co-prime है वो इस multiplication model में n में आते हैं और n से छोटे, इसको हम ऐसे denote करते हैं A multiplication n b। A multiplication modulo n b is equal to remainder obtained on dividing n by a into b। Usual multiplication में जैसे होते हैं। अब अगर ये कोई prime हो, so prime से तो उसके सारे पीछे वाले elements से हम 7 लेते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे के सारे उससे co-prime नहीं होंगे। जिसे भी 1 या 1 हुआ तो नंबर इटसेल्फ प्राइम है, सो इसलिए उसका ऑर्डर p-1 होगा। p-1 क्यों किया हमने से, क्योंकि हम 1 से काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं और p तक नहीं जा रही, उससे कम जा रही है। जैसे 7 का केस लिया था हमने u7 तो 6 तक जा रही है, इसलिए अब हम u10 लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या एलिमेंट्स आते हैं, पॉसिबिलिटी क्या एलिमेंट्स की 1 से लेके 9 तक क्या पॉसिबिलिटी, इसमें से कोई हो सकते हैं 1 ऑब्वियसली, बिकॉज 1 और 10 का GCD 1 नहीं होगा, 2 और 10 का GCD इज 2 तो ये नहीं लेंगे हम, 3 और 10 का GCD 1 आ रहा है, 4 भी नहीं लेंगे क्योंकि 2 आ रहा है इसका GCD, 5 प्राइम नंबर्स तो लेंगे ही सारे, 6 नहीं लेंगे, 7 एंड 9 ऑल्सो, सॉरी 5 नहीं लेंगे हम इसमें, बिकॉज 5 और 10 का जैसे भी 2 होता है। अब इसमें हम अगर 2 एलिमेंट्स को ऑपरेट करें 3 और 7 को, 3 × 7 क्या होता है 21, इससे इसका क्या मतलब था, रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग 10 बाय इट्स प्रोडक्ट, 3 × 7 = 21, रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग बाय 10 इज 1, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 2 1 मॉड 10 क्या आएगा 1। एडिशन मॉडल में इनकी आइडेंटिटी क्या होगी 0, क्योंकि अगर हम इस इक्विवेलेंस क्लास में से कोई भी एलिमेंट ऐड करेंगे उसमें तो उसी में आ जाएगा, जैसे कि Z7 Z3 में एग्जांपल देते हैं 0 + 1 बार 1 बार रिमाइंडर ऑफ 10 और डिवाइडिंग बाय 3 1 ही रह जाएगा, 1 बार 1 बार दे देंगे, 2 बार सब करेंगे तब भी 2 बार ही आएगा, इसलिए इसका आइडेंटिटी 0 है। एंड इसमें
उसका इनवर्स होगा वो क्या होगा, हम z 9 की बात करते हैं, हम z 9 की बात करते हैं, इसमें अगर हमें 3 का इनवर्स देखना हो, हम 3 में ऐसा क्या ऐड करें जिससे जो रिमाइंडर है हमारे पास 0 आए। बेसिकली जो यहाँ पे ऐड करके ऐसा नंबर आना चाहिए जिससे 9 डिवाइड करता हूँ, 6 करेंगे, 3 + 6 = 9 एंड 9 / 6 सो 0 आ जाएगा। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि इफ ए बिलोंग्स टू जेड एक्स देन ए इनवर्स वुड बी एन माइनस ए। इसी एग्जाम्पल में देख लो 6 क्या हुआ 9 - 3 एंड मल्टीप्लीकेशन मॉडल में हमारे पास आइडेंटिटी क्या होगी, हम ऐसी क्या चीज मल्टीप्लाई करें एक नंबर में जिससे उसको एन से डिवाइड करने पे सेम नंबर आए। 1 तभी हमारे पास ए आएगा सेम नंबर, क्योंकि अगर हम U8 का केस लेते हैं U8 में नंबर्स क्या आएंगे 1, 3, 5 and 7 देन 3 का इनवर्स क्या होगा इसमें कि हमारे पास 1 है, करके देखते हैं 3 1 3 नहीं हो रहा, 3 3 9 3 इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ बेसिकली, क्योंकि 3 3 9 9 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा एंड 5 का करके देखते हैं 5 का मोस्ट प्रोबेबली 5 या 7 ही आएगा, 5 से करके देखते हैं 5 5 = 25 Callous table is a table in which each row and in each column all the elements of group are present without any repetition. Means हर एक row और हर एक column में जो भी group के सारे elements हैं, जैसे इस group में z form में 0 1 2 3 सारे elements present होंगे और कोई repetition नहीं, जैसे 0 0 1 2 नहीं होगा, 0 1 2 3 या 0 1 2 3 होंगे ऐसे प्रेजेंट होंगे। जैसे कि अब हमने इसमें जब ऑपरेट करते हैं कोई भी एक रूल फॉलो करना है, या तो पहले ये वाला एलिमेंट इसके साथ ऑपरेट करो या ये वाला इसके साथ, हम यहाँ से आते 0 + 0 = 0 and 0 ÷ 4 = 0 0 + 1 0 बेसिकली इसकी आइडेंटिटी है तो सेम एलिमेंट्स आएंगे 1 + 1 2 / 4 रिमाइंडर क्या बचा 2 1 + 2 3 रिमाइंडर क्या बचा 4 से डिवाइड करने पे 3 1 + 3 4 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बचा 0 2 + 1 3 2 + 2 4 रिमाइंडर क्या बचेगा 0 2 + 3 5 5 से रिमाइंडर क्या बचेगा बस 1 3 + 1 4 0 रिमाइंडर बचेगा 3 + 2 5 1 रिमाइंडर 3 + 3 6 2 रिमाइंडर। अब हम मल्टीप्लिकेशन मॉडल एन में ले लेते हैं कैलस टेबल न्यूटन, न्यूटन के एलिमेंट्स हम पहले डिस्कस कर चुके थे 1 3 7 9 देन मल्टीप्लिकेशन मॉडल 10 1 × 1 1 रिमाइंडर क्या बचा 1 1 बेसिकली इसकी आइडेंटिटी है सो वी कैन राइट वेरिएंस जस्ट लाइक दिस देन 3 × 3 9 9 से हमारे पास 9 ही बचेगा 3 7 = 21 रिमाइंडर क्या बचेगा 10 से डिवाइड करने पे 1 3 9 = 27 7 7 3 = 21 1 7 7 = 49 रिमाइंडर क्या बचेगा 10 से डिवाइड करने पे 10 4 = 40 + 9 7 9 = 63 रिमाइंडर वुड बी 3 9 3 = 27 रिमाइंडर वुड बी 7 ऑन डिवाइडिंग बाय 10 9 7 = 63 3 9 9 = 81 1